थुलमें सिंधी अदबी संगत पारा अवामी इनकलाबी मज़ामती शायर अब्दुल करीम गदाई के भेटा पेश करण लाए पंजे डीं वारो जशन गदाई मेलो मुनक़द किया वो जैमें किताबन जो स्टॉल भी लगाया वो गदाई अदबी कॉन्फ्रेंस भी कोठाई वही। रिपोर्ट कर रहा है सौदागर बुरड़ो। सिंधी अदबी संगत पारा थुल प्रेस क्लब में पंज रोज़ा गदाई मेलो लगाया है। अचो तो अदीबन शहरों से गाल बोल क्यों तो उन्होंने जो छा चवन है अब्दुल करीम गदाई के नाले से जशन गदाई मल्हायो। गदाई साहब जो बड़ो हक है। गदाई पोरे पावरन जो मजदूरन जो आम मानन जो शायर है असो नुमाइंदा शायर है तो इन कर जो अस उजागर क्यों तमाम पब्लिक के फायदो थो अड़ो शायर हो जो सिंध के अंदर एकड़ी वोट के जरिए तब्दीली आन चाहे पे उन मकसद हो तो जो भोतार पीर मीर अचन है वोट के वक्त तक जो मिन्थू जारियूँ कंदा तुम वोट फुरे पा इकदार से चढ़ी था वन वरी जो आम मानू जो वायदा था कर आम मानू सा आम मानू की जिंदगी के संवारण लाइ उन में तब्दीली आने के लिए उन अमल को कन छड़ी फुर लुट कंदा पा चढ़िया वेठा पर सिंध जो मानू उ सागो पोते पल आ तेजे करे गदाई साहब इो ही इनकलाब आन चाहे पो जो वो मैसेज दिनों पाँच शायरी में दिनों भेरे भी मौसम के करे खराबी के करे असा पंज डी जो ये प्रोग्राम रखो है इंशाल्लाह इन पंज डी में धाम धूम से अब्दुल करीम गदाई जो मेलो वो धाम धूम से मल्हाइंदे छो तो अब्दुल करीम गदाई गरीब हारन मजलूमन जो शायर हो डुतड़ियल आवाम जो शायर हो। अब्दुल करीम गदाई एक अवामी सिंध जो वो शायर है। 50 साल अग में उन शायरी कई है पर अज तुम उनकी शायरी पढ़ो तो इन के माहौल से बाकायदे उनको अक्स करे थी। अब्दुल करीम गदाई शागिर्दन लिखो आ हारिन लिखो आ मारू मानुन के सुजाग किया बाकायदे तहरीक अली हारी तहरीक उन्हीं के बाकायदे पांजी शायरी जरिए जागायन। अजम हो का अदाई हो गदाई बस गदाई हो अजम हो का अदाई हो जैसे समझण दुख्यो हाफिज जैसे समझण दुख्य हाफिजा उ हरफे अदाई हो। गदाई साहब की जिंदगी में शौरी तब्दीलियों इंदी रूँ एक वक्त अड़ो आयो जो हू हारी जिदोजहद से भी शामिल थी वो पोरे तन के दुख ए दर्द के उन महसूस कर शुरू करवाए सिंध जहा सूर दर्द नंढे खंड की तकलीफू अजाब उनी वो लुछंदो रहो पांजी शायरी के इनकलाबी बनाए छो मज़ाहिमत जी शायरी शुरू कई। सियासी समाज के अदीबन जो वीचार बुधा उन गदाई जो सिंध जो सुरीलो शायर उन सदाई गरीबन हरिन आवाज़ उथारियों ये मेला थन्दा रहन।